बदरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। मेरे बाजार के कुछ उसूल हैं। मेरा भी हिस्सा होता है हर सौदे में। कुस्तुनतुनिया में जहां आप चाहें मेरे सिपाही माल पहुंचा देंगे। अगर आपको कोई नुकसान पहुंचे तो आप मुझसे आके हिसाब ले सकते हैं। तो सौदा तय हुआ। वेनेदिक के ताजिर को वो कालीन मिल गई जिसकी तलाश में वो आया था। किससे? कौन है वो मलून? अर्तुरुल। तुम्हारे हथियार अर्तुरुल के सारे सिपाहियों को कुर्बान कर देंगे। इनके सारे कालीनों को आग लग जाएगी। कबीले को मुश्किल में डाल दिया आपने और आप ही की वजह से हमारे कालीन नहीं बिक सके और अब आप इसका इल्जाम मुझ पर लगा रहे हैं। भाई बस, क्या तुमने अपने कबीले के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा? बाबा मैं बस वहाँ ने हमारी पीठ में खंजर घोंपा है। बाबा लातीनी सलीबियों ने कुस्तुनतुनिया पर हमला करके अपने ही मजहबी पेशवाओं का जीना दूभर किया हुआ है। निकाय की रूमी हुकूमत सलीबियों से नफरत करती है। यही वजह है कि सुल्तान अलाउद्दीन और रूम की सल्तनत के दरमियान दोस्ती कायम है। हम बिल्कुल सरहद पर हैं, जो सबसे खतरनाक इलाका है, लेकिन जो भी इस सरहद की हिफाजत करेगा उसी का होगा मुस्तकबिल। तो फिर हमें क्या करना होगा वहां से यहया को निकालने के लिए और उनका शैतानी निजाम पलटने के लिए? भाई उनका शैतानी निजाम वो तो हम उलट ही देंगे इंशाल्लाह, लेकिन उससे पहले हमें यहया को ढूंढना होगा। हम सिर्फ यहया को ढूंढेंगे ही नहीं बमसी, बल्कि हम उसे जमीन में गाड़ देंगे। आओ दुमरुल, बाजार की क्या खबर है? भाई बाजार की सूरत हाल ठीक नहीं है। आपके हुक्म के मुताबिक मैंने त्रिस्तान का पीछा किया था, लेकिन वहां मुझे कुछ फकीरों ने घेर लिया और वो वहां से निकल गया। अरबी लिबास में एक आदमी आज त्रिस्तान का पीछा कर रहा था। अगर मैं ना होता तो वो आज उसे जरूर पकड़ लेता। वो वापस जरूर आएगा, यकीनन। इस बार उसकी जगह कोई और आएगा। क्या कोई ऐसा है जिस पर आपको शक है सैमन साहब? बिल्कुल है, सुलेमान शाह का बेटा अर्तुरुल। क्या आपको किसी पर शक है भाई? बिल्कुल। हानली बाजार का मालिक सिमोन बहुत लंबे कान है उसके। अरसे से खूब दौलत कमा रहा है और अगर उसकी कोई फौज भी है तो यहया वही है, या फिर बहुत ही खास आदमी है वो यहया का। उन पर हमें हर वक्त नजर रखनी होगी भाई। पहले तस्दीक करना होगी हमें। उसने कम वक्त में बहुत कुछ हासिल कर लिया है यहां। उरहाल जैसे तजर्बेकार ताजिर को पीछे छोड़ दिया। हमें उस पर गहरी नजर रखना होगी।
हसन, एक अच्छे मुसलमान की तरह ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जैसा आपका हुक्म सीमोन साहब। बेफिक्र हो जाए। हर किसी की नजर मुझ पर है, खास तौर पर वेनेडिक्ट ताजर से मामला तय हो जाने के बाद। वक्त करीब आ गया है सिपाहियों, बहुत करीब। भाई कौन सा वक्त? हयात नौ का बमसी, कौम का वकार बहाल करने का। आपने मुझे याद किया था बाबा। वहां बैठ जाओ। सुनो ओराल, और तुम भी असलहान, मुझे ऐसा महसूस होता है कि एक के बाद एक मेरी औलाद ने मेरे मुंह पर तमाचा मारा है। मुझे बहुत दुख पहुंचाया है तुम दोनों ने। आज हम सबको तसल्ली से बैठकर फैसला करना होगा। या तो हम सब काफिरों के इस देश में तबाह बर्बाद हो जाएं, या जिंदा रहने का तरीका सीखें। क्या हमारी रिवायात यही सिखाती है तुम दोनों को? चावदार कबीले ने मुश्किलात का कितनी ही मर्तबा सामना किया है और डटकर मुकाबला किया है हमेशा, और मेरी औलाद कबीले को मजबूत करने के बजाय उसे और भी कमजोर करने में मसरूफ है। बाबा बाबा ये सच मत नहीं। बोलो बीच में, मेरी बात गौर से सुनो। हमें खुद को बहुत मजबूत करना है, इतना मजबूत के दुश्मन हमारे नाम से लरज उठे, तुम्हें कोई पछाड़ न सके, तुम्हारा दुश्मन तुमसे टकराने के बारे में सोच भी न सके। अगर आज तुम लोग मुत्तहिद ना हुए तो सब कुछ हाथों से खो दोगे। उदार फरमाइए बाबा। आज से कबीले की तिजारत की जिम्मेदारी तुम्हारी है, कबीले की हिफाजत और सिपाहियों की जिम्मेदारी भी तुम संभालोगे, और तुम्हारी बीवी कालीन का कारखाना संभालेगी। असलहान के जिम्मे मेरे औताक की तरतीब और सफाई सुथराई होगी। मैं इसकी हकदार नहीं हूं बाबा। तुम्हारा हक क्या है इसका फैसला तुम नहीं, मैं करूंगा। इत्मीनान रखिए, मैं आपके इस फैसले पर आपको मायूस नहीं होने दूंगी बाबा। तो तमीश साहब की जगह लेना तो नामुमकिन है, लेकिन कोशिश करूंगा कि उनकी कमी को पूरा कर सकूं मैं। दुरुस्त कहा तुमने, और इसी वजह से तो तमीश की जगह आलियार को दे रहा हूं। आज से कबीले के जितने भी फैसले किए जाएंगे वो मैं इसके साथ मिलकर तय करूंगा। अलबत्ता तुमसे भी मशवरा लिया जाएगा, लेकिन आलियार ने अगर कोई फैसला कर दिया तो वो हतमी होगा। बाबा अपने फैसलों पर मुझे कुर्बान ना कीजिए। आप जानते हैं मैं काहिरा जाना चाहता हूं, वक्त आने पर वापस आ जाऊंगा, लेकिन ना तो पूरी तरह से मैं इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हूं और ना ही। खामोश, सुन लो तुम लोग अच्छी तरह। मौत और जिंदा रहकर गुजारा करने के दिन दौड़े आ रहे हैं हमारी तरफ। या तो हम जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे। चावदार कबीले को तरक्की देने और मजबूत बनाने के अलावा हमारे जहनों में कोई बात नहीं होनी चाहिए। भूलना मत ये बात। अपने दिफा के लिए अगर हम दुश्मन का खून बहाएंगे तो वो हलाल होगा हमारे लिए। याद रखना तुम लोग मेरी बात, सैलाब के बाद रेत रह जाती है,
गैर गैर होता है, अपने अपने होते हैं। कल सुबह तुम बाजार जाकर देखो वहां क्या हो रहा है, जिम्मेदारी पूरी करो अपनी। भाई कोई ऐसी हरकत मत करना तुम, जरूरत है तुम्हारी इस कबीले को। उराल भाई के लालच और हिर्स से, चोलपान खातून की ना खत्म होने वाली ख्वाहिशात से बस तुम ही बचा सकते हो। अगर आज तुम चले गए भाई तो तुम्हारा लौटना मुश्किल होगा, और अगर वापस आ भी गए तो शायद हम में से कोई ना मिले। अल्लाह हमें कभी जुदा ना करे। अल्लाह मुझे तुम्हारी मोहब्बत के बगैर एक दिन भी हयात ना रखे। सिपाहियों होशियार, कालीन कालीनों की तरफ जाओ।
लाशें उठा लो यहाँ से, कोई निशान नहीं छोड़ना है हमें यहाँ। जैसा आपका हुक्म। सो गया मेरा बहादुर बेटा। शुक्र है कि सो गया है। बहुत शरारती हो गया है अर्तुरुल, और इसकी शरारतें उम्र के साथ बढ़ती ही जा रही हैं। हौसला रखो हलीमा, मेरी नस्ल दुनिया के हर खित्ते पर हुकूमत करे मैं यह चाहता हूं, ताकि दुनिया में अदल व इंसाफ का बोलबाला हो सके। इंशाल्लाह सरदार, इंशाल्लाह। क्या हुआ अर्तुरुल, किन सोचों में गुम हो गए? तुरगुत को सोच रहा हूं, आइकिस के गुजरने के बाद वो दुनिया से कट गया है, कैद हो गया हो जैसे, अपने हवास खो बैठा हो जैसे। लेकिन मैं तन्हा नहीं छोड़ूंगा उसे। मैं चाहता हूं कि वो जिंदगी की तरफ वापस लौटे, शादी करे और अपना कुंबा बढ़ाए। सही कहा बिल्कुल आपने, लेकिन इस पूरे कबीले में तुरगुत के लायक कोई लड़की नहीं है। दूसरे कबाइल में ढूंढ सकते हैं हम, इंशाल्लाह एक अच्छी लड़की ढूंढ लेंगे उसके लिए। इंशाल्लाह कुस्तुनतुनिया कालीन पहुंचाकर वो वापस लौट आए तो इस मामले को देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया भाई, मैंने उनकी आंखों में खून उतरा हुआ देखा। बाबा अगर उन पर हमला नहीं करते वक्त पर, तो आज हम में से कोई बच ना पाता। लेकिन मुझे लगता है तुख्तमिश को जहर दिया गया था असलेहान। हैरान नहीं हूं मैं, तुख्तमिश की मौत से जरूर किसी को फायदा पहुंचा होगा। असलेहान, कभी भी शुबे की बुनियाद पर किसी इंसान को परखना नहीं चाहिए, समझ गई तुम? हर शख्स बेकसूर है, हर शख्स, जब तक उस पर लगा इल्जाम साबित ना हो जाए। क्या फर्क पड़ेगा अगर उन्हें किसी ने जहर दिया था, आखिर हमला तो उन्होंने ही किया था ना। हो सकता है फर्क पड़े और नहीं भी। इस मामले को गहराई से देखना पड़ेगा हमें, लेकिन मेरा दिल कहता है इस मामले के पीछे छुपी हकीकत कुछ और है। असलियान गौर करना होगा हमें इस पर। दिल को यह भी कहना चाहिए, कुछ भी हो जाए लेकिन आप कबीले को छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि जब आप नहीं होते मैं तन्हा हो जाती हूं। बाजार में क्या हो रहा है आखिर? ये भाई को परेशान कर देने वाला अर्तुरुल कौन है? काई कबीले के सरदार हैं। जवाब नहीं उनका, न जाने कितने दुश्मनों को घुटने टिकवाए हैं, इंतहाई बहादुर। कल बाजार जाऊंगा मैं, सारी सूरत हाल अपनी आंखों से देखूंगा। अर्तुरुल भाई, इस नक्शे पर मौजूद कोई ऐसी जगह नहीं है जिससे मैं वाकिफ ना हूं, चप्पे चप्पे तक जा चुका हूं मैं। सोना रेत से भारी होता है, यही वजह है कि खलीज में बहुत सारा सोना होता है, क्योंकि वहां पानी का बहाव कम होता है।
इसलिए हमें गिदिक के चट्टान के अतराफ में जाकर चश्मे के पास तलाश शुरू करना होगी। ये बहुत छोटी लेकिन काफी गहरी खलीज है चातुर्यान, यहां रसाई मुश्किल होगी। ठीक कहा आपने आर्तुक भाई, ये खलीज बिल्कुल सांप की तरह बलखाती हुई है और इसके हर मोड़ पे चट्टाने मौजूद हैं। जहां जहां चट्टाने ऊंची होती हैं, खलीज गहरी होती जाती है और सोना इसी खलीज के सुराखों में छुपा हुआ है। हमें सिर्फ वहां से रेत को निकालकर छानना होगा। सोना निकालना अगर इतना आसान है चतुर्यान, तो इस सोने को आज तक कोई निकाल क्यों नहीं पाया? दरअसल सोना बहुत शर्मीला होता है धुंधार भाई, हर वक्त अपनी जगह बदलता रहता है। अगर आपको ये मालूम ना हो कि ये कहां छुपा है तो आपके हाथ में रेत के सिवा कुछ नहीं आएगा। इसलिए हमें सूरज का, बरसात का और हवा का मुकम्मल हिसाब किताब रखना होगा। मौसम सरमा शुरू होने वाला है, अगर बारिशें शुरू हो गईं तो फिर मुश्किलात का सामना होगा। हमें जल्द काम शुरू करना होगा। अर्तुरल भाई जिंदाबाद। जैसा कि आप लोग कहते हैं, बेहतरीन वक्त मौसम गर्मा का इख्तिताम होता है। अगर हमें सही जगह मिल गई तो फिर हमारा कबीला बहुत ज्यादा खुशहाल हो जाएगा। दुंदार, सिपाहियों को लेकर हाचातुर्यान साहब के साथ जाओ। जो जरूरत हो इन्हें मुहैया करो और इस बात का ख्याल रखना कि यह सारा काम राजदारी से होना चाहिए। बेफिक्र हो जाएं भाई। आपसे टकराने वाला हर पत्थर रेत बन जाएगा सरताज। हमें इन पत्थरों को कुचलना खूब आता है चौलपान, लेकिन अभी सब्र से काम लेने का वक्त है। भाई मुझे बात करनी है आपसे। आपके हुक्म की तामील हो गई है भाई, सारे कालीन जला दिए हैं और सारे सिपाही भी मारे जा चुके हैं। तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं वहां? अतराफ में कोई भी मौजूद नहीं था भाई, और जो सिपाही फरार हो गए थे उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। धुआं कैसा है ये? मेरे साथ आओ। हाँ,
मर चुके हैं ये लोग। तुर्गुत, तुर्गुत, ये जिंदा है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। यहीं छोड़ दें इसे मरने के लिए। अगर हम इसे लेकर गए तो सिमोन नाराज होगा। तुम बिल्कुल बेवकूफ हो फिलिप। वो बहुत खुश होंगे अगर हम दुर्गुत को लेकर गए। खंजर को देखकर खुशी दुगनी हो जाएगी। हैरान भी होंगे वो। मुहाफिजो यहां आओ। क्या लिखा है इस मक्तूब में? अंताकिया और सेंट पेट्रिस किले को तबाह करने वाला, टाइटस और हमारे भाइयों को कत्ल करने वाला अर्तुरुल था सिमोन अफेंदी। और लिखा है कि फौरन एहतियाती इकदामात किए जाएं। हमारा मतलब वह जासूस अर्तुरुल भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि खेलने का वक्त आ गया है। अगर वो जासूस अर्तुरुल हुआ तो मतलब कि हमारे लिए यीशु मसीह ने दो तोहफे एक साथ ही जाहिर कर दिए हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जिसने हमें पैदा किया और हमारे दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काई के मुअज्जिज़ीन, बहुत अरसे हम जगह जगह पड़ाव डालते रहे, दुश्मनों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, अनगिनत भटके हुए लोगों को सजाएं दी, कितने ही गद्दारों को रास्ते से हटाया। और अब इन इलाकों में रहने के लिए हमने अपनी आंखों में ख्वाब सजा लिए। ये इलाके दूसरे इलाकों की मानिंद नहीं है। दुश्मन बहुत करीब है हमारे। यहां होने वाली जंग दूसरी जंगों से मुख्तलिफ है, लिहाजा हमें हर वक्त आने वाले हालात के लिए तैयार रहना होगा। सरदार, आपने हुक्म दिया, हमने तामील की आपके हुक्म की। जान देने के लिए कहा, हमने अपनी जानें कुर्बान कर दी। लेकिन हम भी आपसे एक बात की ताईद चाहते हैं। कहो करबे। हम चाहते हैं कि हमारी जिरगे की दरखास्त रद्द ना की जाए, क्योंकि जिरगा हमारी रिवायत है। सरदार मुशावरत के बगैर फैसला नहीं कर सकता। मैं भी इनकी बात से इत्तफाक करता हूं, क्योंकि मुशावरत में ही
इंसाफ पोशीदा है। मोहतरम मुअज्जिज़ीन, मुझे एहसास है कि मैंने आप लोगों का दिल तोड़ा, जिस वजह से मैंने जिरगे की दरखास्त रद्द की। वो दुश्मन से होने वाली मेरी खुफिया जंग थी, मुझे बता देना चाहिए था। लेकिन आइंदा से किसी भी वक्त जिरगा बुलाने की दरखास्त रद्द नहीं की जाएगी। शुक्र है अजीम रब का कि मेरे औताक में सरदारान आजादाना अपनी राय का इजहार करते हैं। जब तक आप लोग अदालत का तकाजा करते रहेंगे मुझसे, कोई भी दुश्मन मुझे घुटने टेकने पर मजबूर नहीं कर सकता। सलामत रहें सब। अब्दुल रहमान, मुअज्जिज़ीन में इनका हिस्सा तकसीम करो। जैसा आपका हुक्म भाई। तुर्कुत सिपाही हमें रास्ते में मिला भाई, शायद आप इसे देखकर खुश हों, इसलिए इसे यहां ले आई। उराल ने सारे सिपाहियों और वेनेदिक के लोगों को मार डाला। आफरीन मारिया, यकीनन तुम्हारी तरबियत अच्छी की है मैंने। इस आदमी को कमरे में ले जाओ। फिलिप, हुक्म कीजिए जनाब। तुम्हें काई कबीले जाना है, अर्तुरुल साहब को ढूंढो। उनका आदमी बहुत जख्मी हालत में मिला है, ये बताओ उन्हें। और तुम एक दो आदमी अपने साथ लो और हमले की जगह पर जाओ। लाशों को यहां लेकर आओ। जैसा आपका हुक्म से मुनाफंदी। अर्तुरुल को उसकी सरदारी के एहतराम का यकीन दिलाएंगे हम मारिया। और ये खंजर मुझे तुर्कुत के पास पड़ा मिला। इसके दस्ते पर चावदार कबीले की मोहर नक्श है, और अब कोई भी बात उराल से आसानी से मनवा सकते हैं आप। सिर्फ उराल से ही नहीं, सुल्तान के जासूस अर्तुरुल से भी। देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। उराल, ये जूते तो मैंने अपने ख्वाब में देखे थे। जिसका तुम ख्वाब देखोगी, मैं हर वो चीज तुम्हें दूंगा। सराय से कोई खबर आई क्या? सुबह किसी जख्मी आदमी को लेकर आए थे, मारिया और फ्लिप। कौन था वो? तुर्कुत था उसका नाम।
क्या कहा तुमने? कहां गया? कहां गया वो? आखिर जा कहां सकता है? कहां चला गया मेरा खंजर? जानते हो तुर्को जिंदा है, तुमने तो कहा था मर गया वो। ये नामुमकिन है भाई, हमने तो हर एक को मार दिया था, कई के कालीन भी जला दिए थे, तुर्कुत को तो मैंने खुद मारा था, मैंने अपनी तलवार से उसका जिस्म काट दिया था। तो फिर तुर्कुत सराय में क्या कर रहा है? ना कर रहा इंसान। तुम मुझसे मिलना चाहते थे सिमोन? सारे कालीन जला दिए गए हैं तुम्हारे। क्या? दोनों आदमी मारे गए तुम्हारे, उनकी लाशें अनकरीब यहां पहुंचने वाली हैं। अर्तुरुल, उसने तुम्हें जबान दी थी, तुम्हारे माल की जमानत ली थी उसने, तो अब उसी को नुकसान पूरा करना होगा तुम्हारा। भाई महसूस कर रहा हूं मैं, यही है वो यही है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए मेरे साथ आइए। अब हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। हम पहुंच गए हैं दुंदार भाई, बिल्कुल सही जगह पर पहुंच गए हैं हम। यही मिलेगा, यही जगह है, मैं जानता हूं, सोना यही मिलेगा हमें। सोना यही है, मुझे यकीन है, मैं जानता हूं, मैं सही जगह पर आ गया हूं। यही, अरे कहां हो मेरे सोने? कहाँ चला गया? मैंने तो यही देखा था दुंदार भाई, लगता है मुझसे फिर गलती हो गई। कहाँ चला गया मेरा सोना? कहाँ चला गया? यही तो था, मुझे यकीन है यही था। मुझे माफ कर दे दुंदार भाई, मैं बहुत शर्मिंदा हूं दुंदार भाई, मैं सच कह रहा हूं, मुझे यकीन था सोना यही मिलेगा, मगर न जाने कहां चला गया, समझ नहीं आता। मगर मैं एक और जगह जानता हूं जहां सोना मिल सकता है, मैं उसे सूरज गुरु होने से पहले ला सकता हूं भाई। क्या मैं अंदर आ सकता हूं बाबा? आ जाओ बेटा। कैसे आना हुआ आलियार, कुछ कहना चाहते हो? काई कबीले के कालीन ले जाने वाले कारमा पर हमला हुआ है, सारे सिपाहियों को मार दिया गया। आखिर कौन लुटेरा ऐसा कर सकता है? इस काफले को लूटा नहीं गया है बाबा, सारे कालीन जला दिए गए। मगर मैं समझ नहीं पा रहा कि अगर उन्हें कालीन नहीं चाहिए थे तो फिर काफले पे हमला क्यों किया? और हाल
बिल्कुल सही बाबा। उराल भाई और बातुहान को बातें करते सुना मैंने। अर्थरुल साहब को अगर मालूम हो गया। दो मुसलमान कबाइल के दरमियान ये मुनासिब नहीं है बाबा, जबकि चारों तरफ से हमें गैर मुस्लिमों ने घेरा हुआ है। इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमारा कबीला हर लिहाज से बड़ा है, उनसे जीतना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। लेकिन आप जानते हैं बाबा, अर्तुरुल साहब को इसका इल्म हो गया तो इस जंग में सबका नुकसान होगा। मेरी बात गौर से सुनो आलियार, जाकर अर्तुरुल साहब को ढूंढो, उनसे कहना सरदार जानदार के लिए एजाज होगा अगर आप उनकी दावत कबूल कर लें और अपने खानदान के साथ हमारे कबीले तशरीफ लाएं। उनसे कहना कि उन जैसे बहादुर जंगजू की मेहमान नवाजी मेरे लिए बाई से शर्फ होगी। समझ गए मेरी बात? आपके वो सिपाही जो कालीन को सुनतुनिया ले जा रहे थे, हमला हुआ है उन पर। मालूम हो गया कि हकीकत क्या है, तो वो इंतकाम जरूर लेंगे बाबा। फिर मेरे पास अर्तुरुल को मौत की नींद सुलाने के सिवा रास्ता नहीं बचेगा। जो सिक्के मैं अर्तुरुल को दे चुका हूं उनका क्या? वो मुझ पर छोड़ दो तुम, उनकी वापसी मेरी जिम्मेदारी है। अगर तुम्हें मुनासिब लगे तो